सत श्री अकाल एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हो जी कितना सारा है, होप तू सारे वधी होंगे। तो जी लास्ट ब्लॉग में आपने देखा हम लोग चंडीगढ़ से बडू साहब आए हैं, जो कि हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आता है और बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे गुरुद्वारा साहब बना हुआ है। और ये गुरुद्वारे साहब में अकाल अकेदमी बोर्डिंग स्कूल है और इटर्नल यूनिवर्सिटी है और टोटल 400 एकड़ में ये गुरुद्वारा साहब का पूरा कैंपस है और काफ़ी कुछ है यहाँ पे फैसिलिटी स्टूडेंट्स के लिए। और गुरुद्वारा साहब भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो आज के व्लॉग में मैं पूरी डिटेल वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा बडू साहब के बारे में और यहाँ की सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा, तो पूरा व्लॉग जरूर देखना। हमने यहाँ रूम ले लिया था, बहुत अच्छे रूम है, एकदम क्लीन रूम विद ऑल द फैसिलिटीज, इवन किचन भी हमारे रूम में। और हमारे रूम के बाहर का व्यू कुछ इस तरह का है। तो ये हमारा रूम है और ये हमारा किचन एरिया, किचन के बाहर का व्यू कुछ इस तरह से है। ये साथ ही में गुरुद्वारा साहब, बडू साहब का जो मेन गुरुद्वारा साहब है। और ये देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, और ये सारा इस कैंपस का ही पार्ट है। बडू साहब को लैंड ऑफ मेडिटेशन भी कहते हैं, तपोभूमि कहते हैं। यहाँ काफी महापुरुष आके यहाँ भक्ति कर चुके हैं, गुरु गोविंद सिंह जी भी यहाँ आ चुके हैं। तो इतनी पावन धरती पर बडू साहब वालों ने जो स्कूल बनाने का कॉन्सेप्ट बनाया, शुरू किया है, वो बहुत ही जबरदस्त। इतना डिवाइन और इतने स्पिरिचुअल माहौल में जब बच्चे पढ़ाई करेंगे तो कितना परफेक्ट माहौल होगा उनके लिए, है ना। रूम में ना ये सारी इन्फॉर्मेशन ये लगी हुई है, यहाँ पर जो जो फैसिलिटीज है उसकी डिटेल्स दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, गुरुद्वारे साहब की जो रूटीन टाइमिंग्स है वो दी गई है। रात को 12 बजे से गुरुद्वारे साहब के प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते हैं। और जो जो फैसिलिटीज है बडू साहब, अकाल चैरिटेबल हॉस्पिटल है यहाँ, ARY शोरूम, कैंटीन, लॉन्ड्री, गुरमत स्टॉल, SBI बैंक एंड ATM, पोस्ट ऑफिस फैसिलिटी विद स्पीड पोस्ट, मोबाइल रिचार्ज शॉप, कैंटीन, सब कुछ है यहाँ पर। गुरुद्वारा साहब में रूम्स तक आने के लिए लिफ्ट भी लगी हुई है। जैसे ही लिफ्ट से हम बाहर आए हैं, सामने है दरबार साहब, आप यहाँ से भी जा सकते हो मत्था टेकने के लिए। हाँ जी, ये देखिए साथ ही में इतना ब्यूटीफुल दरबार साहब, गुरुद्वारा साहब। यहाँ साथ ही में नीचे साइड है लंगर हॉल। गुरुद्वारा साहब की मेन एंट्री है वो बहुत आगे जाकर है, फिर बाकी इस साइड भी देखिए ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, हॉस्टल्स है, ऐसे बोर्ड्स लगे हुए हैं, उस पर सारी डिटेल दी गई है। माता भोली जी संगत निवास जो है वो यहाँ है, और फिर डिस्पेंसरी, संत अत्तर सिंह जी संगत निवास, गुरुद्वारा अंगीठा साहब, आगे जो है वो गुरुद्वारा अंगीठा साहब है, वहाँ चल के भी दर्शन करेंगे। मैस हॉस्टल एंड कैंटीन, संत तेजा सिंह टीचर्स रेसिडेंस, IB स्कूल एंड साहिबजादा जुझार सिंह प्लेग्राउंड, हर्बल गार्डन, गैस गोडाउन एंड केव्स। मैंने आपसे कहा था ना काफ़ी ह्यूज ये गुरुद्वारा साहब का कैंप, काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, तो आज सब देखेंगे। हमारी कार पार्क है और वो देखिए सामने पहाड़, चारों तरफ पहाड़ है और बीच में बडू साहब, बहुत अलौकिक लगता है यहाँ आके। ये जो रोड है ये सीधी आती है जी बडू साहब गुरुद्वारे साहब के लिए, और चारों तरफ पहाड़ और जंगल और हरियाली, और वो सामने रहा गुरुद्वारा साहब का मेन दरबार साहब। और ये सारा जितना भी आप बिल्डिंग्स देख रहे हो ये गुरुद्वारे साहब का ही कैंपस है, जो कि 400 एकड़ में है। तो जी यहाँ से है मेन एंट्रेंस बडू साहब के लिए, अकाल एकेडमी बोर्डिंग स्कूल एस्टेब्लिश्ड इन 1986। ये देखिए सामने जो बिल्डिंग है, खेम सिंह गिल अकाल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इटर्नल यूनिवर्सिटी बडू साहब। बडू साहब को कहते हैं लैंड ऑफ मेडिटेशन, तपोभूमि, और यहाँ पे पढ़ने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, इतनी डिवाइन जगह पर, है ना। बोर्ड पे कुछ लिखा है फ्रॉम नर्सरी टू PhD। अच्छा जी, देख लीजिए यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज है कि फ्रॉम नर्सरी टू PhD यहाँ पे सारी पढ़ाई होती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन फेथ एंड ट्रेडिशन फ्रॉम नर्सरी टू PhD। ये है जी मेन एंट्रेंस गेट, अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी हो यहाँ पे, साथ में यहाँ रिसेप्शन है, आपको अगर एडमिशन लेनी है यहाँ पर, अगर यहाँ पे आपको रूम्स लेने हैं रहने के लिए तो भी यहाँ पर आपको आना होगा। साथ ही में है पार्किंग, तो यहाँ आप अपनी कार पार्क करें और जाके अपनी इंक्वायरी वहाँ ले सकते हैं। ये भी कॉलेज है, पार्किंग। अब एरिया देखिए कितना ज्यादा ब्यूटीफुल एरिया है, एप्पल डे यूनिट ऑफ इटर्नल फूड्स। तो यहाँ भी एक ईटिंग जॉइंट है, यहाँ बाहर भी सिटिंग है। व्यू देखिए आप, यहाँ से व्यू चेक करिए, वो रहा सामने एंट्रेंस गेट बडू साहब के लिए, व्यू देखिए आप।
ये नीचे है कैंटीन, स्टूडेंट्स के लिए फूड ऑप्शंस भी है यहाँ पर। संत अत्तर सिंह जी महाराज मस्तवानी साहब वाले, संत तेजा सिंह जी महाराज, संत बाबा इकबाल सिंह जी, तो ये है फाउंडर बडू साहब जी के। और इस कैफ़े के टाइमिंग्स है सुबह 7:30 से रात में 10 बजे तक। स्टूडेंट्स, यहाँ की फैकल्टी, यहाँ के जितने भी लोग हैं वो यहाँ के अपना फूड इंजॉय करते होंगे। और कैफ़े से व्यू भी बाहर का आपको मैंने दिखाया कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो स्टूडेंट्स के लिए देख लीजिए कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, हर टाइप की फैसिलिटी मिलेगी आपको यहाँ। और ऐसे नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही आते हैं, आप यहाँ गुरुद्वारा साहब दर्शन भी करने आ सकते हो जैसे हम आए हैं। माहौल देखिए यहाँ पे पढ़ाई के लिए कितना परफेक्ट माहौल है, एकदम डिवाइन माहौल है। गुरुद्वारे प्रेमिसेस में स्ट्रिक्टली नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नॉट ब्लो हॉर्न एंड स्पीड लिमिट इज 20 किलोमीटर पर आवर। इस साइड है न्यू गर्ल्स हॉस्टल, देखिए माता गुजरी जी हॉस्टल, अकाल बेकरी, अकाल लॉन्ड्री, कैंटीन, किचन, इटर्नल यूनिवर्सिटी मेस, अकाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, अकाल मॉडल स्कूल, डीजल पंप एंड व्हीकल वर्कशॉप, महिला मंडल, आयुर्वेदिक फार्मेसी, अकाल डेयरी सेंटर, ये सब इस साइड जाकर है। सीधा है गुरुद्वारा, अकाल एकेडमी बडू साहब, पोस्ट ऑफिस, बैंक एंड ATM, ARY जनरल स्टोर, गुरुद्वारा साहब इनिशियल गुरुद्वारा एंड गुरुद्वारा अंगीठा साहब, संगत एंड टीचर रेसिडेंस, लंगर हॉल, अकाल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल वुमेन एम्पावरमेंट एंड म्यूजिक डिपार्टमेंट, IB स्कूल। ये है स्ट्रेट जाके अकाल कनेक्ट। ये देखिए जी HR डिपार्टमेंट है, अकाल एकेडमी बोर्डिंग स्कूल। जरा और पढ़ना थे CBSE, तो ये अकाल एकेडमी बोर्डिंग स्कूल। ह्यूज कैंपस है कि हम कार में एक्सप्लोर कर रहे हैं सारा। ये आगे गुरुद्वारा साहब की मेन बिल्डिंग, स्कूल बसेस, अकाल एकेडमी बडू साहब। देखो किधर रास्ता ऊपर भी जा रहा है, वो ब्रिज बनया हुआ है, एक जगह तो दूसरी बिल्डिंग तक जान ली। देखिए जी SBI ATM एंड SBI बैंक, पोस्ट ऑफिस, और ये जनरल स्टोर, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ के लोग जो रहते हैं उनके लिए सारी फैसिलिटीज, वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट लगी हुई है। और ये मेन दरबार साहब गुरुद्वारा साहब, ये देखिए स्टूडेंट्स आ रहे हैं लाइन लगा के, क्योंकि टाइम टू टाइम सब होता है स्टूडेंट्स का। ये देखिए सारे स्टूडेंट्स, ये गुरुद्वारा साहब है, गुरुद्वारा अंगीठा साहब। यहाँ है गर्ल्स हॉस्टल, अकाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग गर्ल्स हॉस्टल, मैस कैंटीन, गुरु नानक देव जी मोदी खाना, और सामने भी संगत निवास बिल्डिंग है, भी रूम से संगत के लिए। और देखिए चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, यहाँ प्लेग्राउंड, गार्डन एरिया, थोड़ा लॉन है। अकाल एकेडमी न्यू कैंपस, तो जी गुरुद्वारा साहब के दर्शन करो, कितनी सोहनी ये जगह है गुरुद्वारा साहब, कितना सोहना। सामने भी और कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। माय IB स्कूल, ये है जी IB स्कूल अकाल एकेडमी। इतना ह्यूज ये स्कूल है IB स्कूल, वहाँ से एंट्री थी, ऊपर ही ग्राउंड और ये स्कूल। कितना वेल मेंटेन, कितना ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है, कितनी क्लीन रोड, सफाई कितनी ज़्यादा है। ऑफकोर्स गुरुद्वारा साहब के अंडर है तो सफाई तो सबसे ज़्यादा होगी, मेंटेन भी बहुत अच्छी तरह से किया गया है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी गई है। और आज से इतने साल पहले ये ओपन हुआ है, और सोचो ना बड़े बड़े शहरों से इतनी दूर है, एकदम जंगल के बीचों बीच, पहाड़ों के बीचों बीच, और पहाड़ों में तो वैसे ही इतनी टफ कंडीशंस हो जाती है, तब भी महापुरुषों ने यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुली एकेडमी बनाने का विजन रखा, सोचा और शुरुआत की। और आज देखो ये कितनी ह्यूज हो गई है अकाल एकेडमी एंड इटर्नल यूनिवर्सिटी की, वर्ल्ड वाइड से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। गुरुद्वारे साहब के हर थोड़े डिस्टेंस पर आपको ऐसे कोल्ड वाटर डिस्पेंसर्स मिल जाएंगे, आप अपना पानी पी सकते हो, वाटर रिफिल कर सकते हो अपनी बॉटल्स में, जैसे हम कर ले आए पानी रिफिल। हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ देखिए पूरा मैप दिया है डिवाइन वैली ऑफ बडू साहब, और इस पर सारी डिटेल्स दी गई है कहाँ कहाँ क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो। यहाँ है जी अकाल चैरिटेबल हॉस्पिटल,
अकाल ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, फूड एंड सेफ्टी लैब, डॉक्टर खेम सिंह गिल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर तो आपने देख ही लिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन यूनिट, अकाल प्ले ग्राउंड एंड जिम, टीचर्स कॉलोनी, आंगनबाड़ी सेंटर, कम्युनिटी सेंटर, स्टील एंड वुड वर्कशॉप एंड वाटर प्यूरिफायर एंड स्टोरेज टैंक, वो इस तरफ है। तो यहाँ है जी अकाल चैरिटेबल हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल बिल्डिंग। सामने आप व्यू देखिए, चारों तरफ पहाड़, बीच में गुरुद्वारा साहब और ये यूनिवर्सिटी। ये देखो कितने ह्यूज सोलर पैनल लगे हुए हैं गुरुद्वारे साहब के। ये नीचे अकाल अकेडमी स्कूल, ऊपर प्लेग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट दिख रहा है मुझे। दरबार साहब अब देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ब्यूटीफुल। ये है जी स्टाफ एंड फैकल्टी रेसिडेंस बिल्डिंग, को सामने बास्केटबॉल कोर्ट है, पर टेरेस थे, देखो है ना कितना ब्यूटीफुल बड़ू साहब, और इतनी सारी फैसिलिटीज है यहाँ स्टूडेंट्स के लिए। किदा लग गया थानू हुण तक बड़ू साहब? वाओ कितने सोने फ्लावर्स है यार, प्यारे फ्लावर्स है, वही जरा वरनु दिखा रही हूं, बटन रोज। हां जी गशकी जोरावर सिंह। हां जी तो दरबार साहब, और इस तरफ लंगर चल के सकते हैं, गुरु का लंगर। जी देखिए अकाल संगीत विद्यालय, अरे स्टूडेंट्स बैठे हैं लंगर शक में। अवर सिंह कहता है दैना मैंने और सेवा करनी है, तो अपनी मम्मा के साथ और सेवा करने गया। ये सामने गुरुद्वारा साहब, और साथ ही में ये जो सुपरमार्केट है, अंदर प्रॉपर ग्रॉसरी और प्रॉपर सुपरमार्केट है, और बाहर ये वेजिटेबल एंड फ्रूट स्टॉल लगी हुई है। जो लोग यहाँ रहते होंगे, जो स्टाफ फैकल्टीज, उन्हें अगर अपना खुद का फूड कुक करना हो तो यहाँ से वेजिटेबल्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। जोरावर सिंह ने अंदर सुपरमार्केट में जाना है। दस दिन रहना है थे, गुड। ये है जी सुपरमार्केट, यहाँ सारा डेली नीड का सामान मिल जाएगा, खाने पीने से लेकर तो डेली यूज़ का सारा सामान, किचन से रिलेटेड तो कपड़े, बैग्स, ये देखिए बर्तन, कप्स, मग्स, शूज, क्लोथ्स, बैग्स, पर्सेस। हाँ देखो हॉकी, ये तो ये सारा सुपरमार्केट बड़ू साहब में बना हुआ है स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ के लोगों के लिए, और ज़रूरत का हर सामान मिल जाएगा, है ना। पेस्ट्रीज, आइसक्रीम, ये सारा सामान आपको मिल जाएगा यहाँ, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल, चिप्स, क्लोज, पंजाबी सूट्स, सब स्टेशनरी मिल जाएगी। तो बड़ू साहब की इस सुपर मार्केट में आपको जरूरत का हर सामान मिल जाएगा। मशरूम की बोतल है। ओके लेते हैं पेठा, ये भी रख लो जी। मिस्टर ये है जी बड़ू साहब का इतिहास, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। जानदा दिल कर रहे थे
जरूर को तो बहुत दिल लग गया है, कहते डैडा मैंने और 10 दिन रहना है। हाँ जी, इस वक्त हो रहे शाम के 5 और मौसम एकदम बदल चुका है। दोपहर तक तो धूप थी एकदम कड़क, अब एकदम क्लाउडी वेदर हो गया और थोड़ी बहुत बारिश शुरू हो गई और जोरावर सिंह इंजॉय कर रहा है बारिश, ये देखिए। पर हम चाहते हैं कि बारिश हो, मौसम ठंडा हो जाए। इंजॉय, अब शाम के 5 बज गए ना, तो यहाँ पे सुपर मार्केट के बाहर स्नैक्स और चाट काउंटर भी स्टार्ट हो गया है। गोलगप्पे तल हो रहे फिलहाल तो, बाकी टिक्की भी मिलेगी यहाँ, मोमोज, चाट भी मिल जाएगी। ये सामने लगा है मेन्यू, यहाँ काउंटर, यहाँ से आपको कूपन लेना होगा और ये सब मिलेगा। यहाँ पे स्नैक्स आइटम, पिज़्ज़ा भी मिल जाएगा और ये वेजिटेबल एंड फ्रूट शॉप। वो देखिए स्टूडेंट्स, हुण असीं जा रहे देखण आई बी स्कूल अकाल अकैडमी का। तो वन एंड ओनली आई बी स्कूल है सिख कम्यूनिटी का पूरे वर्ल्ड में। तो आ वीर जी इतने गुरुद्वारा साहब च जॉब करते हैं, तो ये सानू दिखाने लैके आया आई बी स्कूल। लेकिन स्कूल के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट स्कूल बहुत ही सोहना बनाया हुआ है। आ है आई बी स्कूल का ग्राउंड, तो स्कूल च बहुत सारी वधिया फैसिलिटीज़ है स्टूडेंट्स लिए। इतने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की पढ़ाई होंगी है, आई बी स्कूल तो यह हैगा ही है, इतने कैम्ब्रिज बोर्ड भी है। तो स्टूडेंट्स लिए और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, इतने म्यूजिक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना बच्चों लिए कंपलसरी है, जिमें कि हारमोनीयम तो तबला तो कंपलसरी हरेक बच्चे ने सीखना है। इस तो अलावा अगर होर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बच्चे ने सीखना है तो वह ऑप्ट कर सकता है। तो प्रॉपर मैस है स्कूल विच बच्चों लिए, तो देश विदेश तो बच्चे इतने पढ़न आते हैं। जिन्हें भी तुम फ्लैग्स देख रहे हो, इन्हें कंट्रीज़ के बच्चे स्कूल जा के पढ़ाई कर रहे हैं इस वेले। तो इन ब्यूटीफुल लोकेशन के स्कूल बनया हुआ है, तो बच्चों लिए इन्ना परफेक्ट माहौल है पढ़ाई वास्ते। जिन्हें भी फ्लैग लगे है उन्होंने कंट्रीज़ तो बच्चे इतने आए हैं स्टडी करने लिए। तुम फ्लैग देख के दसो मैंने कि फ्लैग है। कनाडा, अफगानिस्तान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हांगकांग, इंडिया। दैट्स नाइस। अच्छा जी, तो आह कैम्ब्रिज का लोगो है। तो वीर जी सानू सारे बड़ू साहब के कैंपस का टूर करवाने लिए लैके जा रहे हो, स्पैशली गड्डी लैके आए साढ़े लिए, तो जाके सब एक्सप्लोर करते हैं। तो काफ़ी चढ़ाई चढ़ के हूँ आप पहुँच रहे जी ऑलमोस्ट माउंटेन टॉप पर। हाँ जी, बड़ू साहब गुरुद्वारा साहब का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, रिसाइकल पेपर, कलर प्लास्टिक्स, आ शीट्स बन रही हैं जी, ये सारे रिसाइकल हो रही है, पेपर शीट्स तैयार हो रही है, सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। वेस्ट पेपर एंड प्लास्टिक रिसाइकल करके उनका पेपर शीट्स बन रही हैं। जरा मस्ती कर रहा है। अच्छा जी, हाँ जी, ये सारे वेस्ट पेपर रिसाइकल होके इदा की फाइल बन गई है। सारे वेस्ट नू प्रोसेस करके इदा शीट्स बनाते हैं, तो शीट्स कुछ उत्थे सुख भी रही है, तो फिर जाके फाइल्स भी तैयार हो रही है, मेड फ्रॉम रिसाइकल पेपर, कर्टसी हाउस कीपिंग यूनिट बड़ू साहब। हाँ, एक काटन का कपड़ा है, पीस के रखे हैं। अच्छा जी, पीस ले नो कटर मशीन से, फिर इधर नाल पेपर मिक्स कर दे, मिक्स करके हाँ पे करके, मतलब पेपर ते कॉटन पीसेस मिक्स करके, फिर उसका जो पेस्ट जब बन जाएगा, फिर उसको वहाँ सांचे में निकालेंगे। अच्छा जी, ठीक है, फिर इसमें निकाल के प्रेस करेंगे। हाँ, इसमें निकालेंगे, पानी प्रेस करेंगे पहले। अच्छा, पानी निकल जाएगा। हाँ, फिर वहाँ सुखाएंगे। अच्छा, वहाँ से निकालेंगे, वो प्रेस मशीन में फिर अलग हो जाता। अच्छा जी, खाद बना, ठीक है।
थले गुरद्वारा साहब तो सारा गुरद्वारा साहब का कैंपस एरिया कितने अच्छा हाँ तो इदा इट बन दी जी सांचे च पाए हुए इट हूँ आप चलने स्कूल का प्लेग्राउंड देख रहे हैं प्लेग्राउंड देखो जरा वैसे बास्केटबॉल कोर्ट तो कितना वड्डा स्कूल का ग्राउंड है पहाड़ नूं कितना कट के फ्लैट करके ग्राउंड बनाया होना है तो मौसम देखो खराब होने लग गया बारिश होने वाली इतने भी अगे टेनिस कोर्ट तो हूँ आप जा रहे देखने मेन किचन जिथे सारा लंगर ते मैस का खाना तैयार होंगे ये है वो जगह पर अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है पर असी अंदर जाके देख आए बहुत ही सफाई नाल लंगर तैयार होंगे सारा पानी होने लग गया इतने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सारा पानी क्लीन होंगे फिल्टर होके खेत चला जाए ये सारा सिस्टम आप देखे पहले रॉ वाटर फिर क्लीन होंदा है फिर ये डिफ्यूजर ये सब होते हुए फिल्टर होंदा है पानी तो उस तो बाद खेतों से छड़िया जाता जंगल से छड़िया जाता प्योर वाटर क्लीन वाटर ये सारी गड्डियां भी गुरुद्वारा साहब की है जी गुरुद्वारा साहब का अपना डीजल पंप क्योंकि इन्हां दी अपनी गड्डियां है तो अपना प्रॉपर प्राइवेट डीजल पंप है जी तो आवाज़ थोड़ी क्लीयर नहीं आई क्योंकि बहुत जोर की हवा चल रही है बारिश तो तूफान भी आऊगा तो यह है ट्रांसपोर्ट ऑफिस बड़ू साहब का तो सामने जी बिल्डिंग तुसी देख रहे हो आ स्कूल है इत्थे जिन्हें भी लोकल आस पास के विलेज के बच्चे है वह इत्थे आके फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने इत्थे पढ़ाई मिलती है बच्चों तो कोई फीस नहीं ली जाती सारे लोकल बच्चों लिए एकदम फ्री एजुकेशन इत्थे मिलती है तो आ है स्कूल की बिल्डिंग तो हवा देखो कितनी तेज चल रही है यह जी अकाल बेकरी पर अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है वीजी ने बहुत सोहने तरीके नाल सारा बड़ू साहब के बारे दसिया हर जगह सानू लै गए डिटेल से हर चीज़ समझाई कितने केड़ा डिपार्टमेंट है कितने केड़ा डिपार्टमेंट है बहुत वधिया लगे देख के तो पता लगे कि कितना ह्यूज है कैंपस है बस देखते देखते मौसम भी एकदम बदल गया एकदम गर्मी तो एकदम बारिश वाला मौसम हो गया आ देखो एकदम सुहावना मौसम हो गया तूफानी बारिश होने लगी तो गर्मी भी घट जाएगी हूँ तो ये मेरा व्लॉग पंजाबी हिंदी मिक्स व्लॉग होगा क्योंकि मेरी कोशिश ये भी होंगी है कि जिन्हें जिन्हों पंजाबी भाषा नहीं इन्नी समझ आती उन्होंने भी समझ आ जाए तो ही मैं मेरा व्लॉग हिंदी तो पंजाबी मिक्स जहा बनाऊँगा तो जरूर व्लॉग देखियो तो दस्यो ये जगह तुम्हें किदा लगी जो भाई मेरे पंजाबी भाषा नहीं जानते हैं उन्हें भी ये व्लॉग अच्छी तरह से समझ आ जाए इसलिए ये व्लॉग मैं हिंदी में पंजाबी में मिक्स बना रहा हूँ अब हम दरबार साहब पहुँच गए हैं चल के देखते हैं माथा देखो जी मौसम कितना ज़्यादा सोहना हो गया बारिश हो रही है जोरां दी मौसम काफ़ी ठंडा हो गया पहला नालों
ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਕਲਾਉਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੋਧਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜ਼ੋਰੋਂ ਸੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਵਕਤ ਸੁਬਹਾ ਕੇ ਵਕਤ ਯਹਾਂ ਪੇ ਚਾਟ ਕਾਊਂਟਰ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਪੀ ਸਕਤੇ ਹੋ। ਯਹਾਂ ਰਸ਼ ਦੇਖੀਏ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ੋਰੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਇਕਦਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਬ ਉਸੇ ਹਮ ਆਏ ਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰੱਖੀ ਥੀ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰਾਵਰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਬੇਕਰੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ, ਕੁਕੀਜ਼ ਹੈ, ਬਰਗਰ ਬੰਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਟਾ ਬ੍ਰੈਡ ਸੇ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਮ ਕੈਫੇ ਮੈਂ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਮ ਲੋਕ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਆਏ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੇ ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਬਸ ਬਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੈਫੇ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਐਪਲ ਡੇ, ਵਹਾਂ ਹਮ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੀਜ਼ਾ ਔਡਰ ਕਰ ਦੀਏ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕੇ ਲਈ। ਕੈਫੇ ਕਾ ਜੋ ਫੂਡ ਮੈਨਿਊ ਹੈ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਹਮ ਸਭ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੂਰ ਦਾ ਵਲੋਗ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਲੋਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਲਵ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।